कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा की पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम चैप्टर नंबर 6 शुरू कर रहे हैं। तो आइए चैप्टर 6 शुरू करते हैं। अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अलजेब्रा की बात करें, अलजेब्रा मतलब कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एडिशन, सब्ट्रैक्शन या स्केलर मल्टीपल्स, इन सब के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। कंपोजिशन इनके अंदर देखिए, सबसे पहले है सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दो हमारे पास में कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, T1 ले लेते हैं U से V, एंड T2 है हमारे पास V से U से V, वो भी हमारे पास U से V है, सेकंड वाली भी। नाउ देखिए, अब हम कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T ले लेते हैं U से V, एंड सेकंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ली वो भी क्या है, 2 U से V। तो अगर मैं T1 प्लस T2 लेके चलती हूँ तो इनका सम भी एक LT बनाएगा। और किस तरह से डिफाइन होगा कि अगर मैं T1 प्लस में T2 लेके चलती हूँ तो ये मेरे पास किसके ऊपर अप्लाई करेगा, U के ऊपर अप्लाई करेगा, जहाँ पे U किसका एलिमेंट है हमारे पास में, कैपिटल U का, डोमेन का, दोनों की डोमेन सेम है। तो यहाँ पे एडिशन कर दीजिए, क्या हो जाएगा, T1U प्लस में T2U, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एडिशन की LT हमारे पास डिफाइन होगी। तो देखिए सब में यही बोल रहा है वो कि T1 फ्रॉम U2V एंड T2 U2V, कोई दो हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन है जहाँ पे U और V दो वेक्टर स्पेस हैं किसी फील्ड F पर, तो उनका जब मैं सम लूँगी तो वो T1 प्लस T2 से डिफाइन होगा, और वो भी U से V पे ही जाएंगे, ठीक है। सेम याद रखना, डोमेन और कोडोमेन सेम चल रहे हैं दोनों की। तो T1 प्लस T2U किसके इक्वल होगा, T1U, और प्लस में T2U जहाँ पे U किसका एलिमेंट है, कैपिटल यू का। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, देखिए यू और वी अगर कोई दो वेक्टर स्पेस हैं, T1 फ्रॉम U2V एंड T2 फ्रॉम U2V, कोई दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उनका सम भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होगा U से V तक। और सेकंड वो क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी कि अगर फील्ड का कोई एलिमेंट मैं उठाती हूँ A और उसको लीनियर प्रोडक्ट LT के साथ मैं प्रोडक्ट कर देती हूँ, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T जो कि U से V तक जा रही है विद सम कॉन्स्टेंट A, और डिफाइन कैसे हो गया, AT फ्रॉम U2V की सच दैट AT U इज इक्वल टू AT ऑफ U फॉर ऑल U बिलोंग्स टू U इज LT फ्रॉम U2V। वो कह रहा है कि अगर आपके पास कोई T फ्रॉम U2V है एंड A बिलोंग कर रहा है F से, ये कोई क्या दे दिया हमें, स्केलर दे दिया, और ये क्या दी हुई है, LT है हमारे पास, ठीक है। तो AT जो होगी, यानी कि LT की जो स्केलर प्रोडक्ट होगी वो कैसे डिफाइन होगी, A बार T ऑफ U, और यहाँ पे U किसका एलिमेंट है हमारे पास में, कैपिटल U का। तो बोल रहा है जो AT होगी ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, कहाँ कहाँ से, फ्रॉम U to V, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट भी LT होती है और एडिशन भी क्या होता है हमारे पास में, LT होता है। इसका कहने का मतलब क्या है, ये है, प्रूफ पढ़ लीजिएगा, काफ़ी आसान प्रूफ है इसका। नेक्स्ट हम चलते हैं रिमार्क पे चलते हैं। देखिए रिमार्क में काफ़ी, मैं बताती हूँ हमेशा, रिमार्क में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अगर U कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है N का, कि हमारे पास में U क्या है, एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन N दे दी, और V कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन M दे दी, तो जो वेक्टर स्पेस होगा L फ्रॉम U to V, ये जो LUV है ये वेक्टर स्पेस है, यानी सेट है उन सभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो U से V पर जा रहे हैं। तो जो वेक्टर स्पेस होगा वो भी फाइनाइट डायमेंशनल होगा, और वो किसके इक्वल होगा, MN, दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। यहाँ पे LUV सेट है सभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि U से V तक जितनी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं उन सबको एक सेट में डाल दिया LUV, और ये क्या बनाएगा, एक वेक्टर स्पेस बनाएगा जिसकी डायमेंशन किसके इक्वल होगी, डायमेंशन ऑफ U इंटू डायमेंशन ऑफ V। नेक्स्ट वो बोल रहा है इफ V इज इक्वल टू U, अगर U और V दोनों इक्वल हैं तो डायमेंशन दोनों की सेम हो जाएगी, तो वहाँ पे वेक्टर स्पेस क्या हो जाएगा, N स्क्वायर के इक्वल होगा। थर्ड बोल रहा है कि अगर हमारे पास V इज इक्वल टू F है, देखिए यहाँ पे जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T है फ्रॉम U to F दे दी, इसकी डायमेंशन N है, देखिए स्केलर की डायमेंशन क्या होती है, 1 होती है, क्योंकि ये फील्ड के ऊपर होता है, तो किसी भी फील्ड की खुद के ऊपर कितनी डायमेंशन होगी, 1 होगी। तो जो LUV होगा, LUV यानी कि LUF लेके चलते हैं जब भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी डायमेंशन क्या होगी, N into 1, दैट इज़ N डायमेंशनल। तो LUF यानी कि सभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सेट यू से एफ पे जा रहा है, उसकी डायमेंशन क्या होगी, हमेशा एन होगी। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि यू और वी दो वेक्टर स्पेसेस हैं किसी फील्ड एफ पे, T1 यू से वी है, T2 यू से वी है, तो रो ऑफ T1 प्लस T2 लेस देन इक्वल टू रो ऑफ T1 प्लस रो ऑफ T2, ये हमने प्रूव करनी है। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है रो ऑफ T1, ये दरअसल होता क्या है,
रैंक ऑफ टी वन होता है कि टी वन ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक, और रैंक यानी कि जितने भी नॉन जीरो रो होंगी वो क्या कहलाएंगी, उसकी डायमेंशन कहलाएंगी कि डायमेंशन ऑफ टी वन। तो यानी मैं कह सकती हूँ कि रैंक ऑफ टी वन का मतलब क्या होता है, डायमेंशन ऑफ टी वन। ठीक है, इसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए नाउ क्या क्या दिया है इसने कि टी वन है कहाँ से, यू से वी तक, एंड टी टू भी कहाँ से है, यू से वी तक। अब एंड अगर मैं कोई इनका सम उठा के लेके चलती हूँ, टी वन प्लस टी टू को अगर मैं यू पे अप्लाई करूँ, एक सिंगल एलिमेंट पे अप्लाई करूँ, तो क्या हो जाएगा, टी वन यू प्लस टी टू यू। यहाँ पे यू किससे बिलोंग कर रहा है हमारे पास में, कैपिटल यू से। ठीक है, अब मुझे इन डायमेंशन इक्वल दिखाने हैं, तो मैं क्या करती हूँ इस सम का, मैंने ये डिफाइन तो कर दी कि एडिशन तो डिफाइन, ये तो सिर्फ डिफाइन थी कि ये हमारे पास में क्या यूज़ कर दी, डेफिनेशन यूज़ कर दी। नाउ एलिमेंट उठाइए, लेट कीजिए वी बिलोंग कर रहा है किसी टी वन प्लस टी टू यू में, यानी कि टी वन प्लस टी टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास ये कैपिटल यू जाएगा, क्योंकि टी वन प्लस टी टू कहाँ से लाई कर रहा है, यू से वी पे लाई कर रहा है, तो यू के एलिमेंट पे आएगा। तो मैं कह रही हूँ कि टी वन प्लस टी टू जब यू पे अप्लाई हो रहा है तो उसका कोई एलिमेंट वी उठा लिया, बी आर्बिट्रेरी, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है हमारे पास ये भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सॉरी फॉर दिस मिसिंग। देखिए वो जो वी है, वी अब किस में बिलोंग कर रहा है, टी वन प्लस टी टू कैपिटल यू में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब वी किसी ना किसी टी वन प्लस टी टू इंटू में यू के इक्वल होगा, जहाँ पे यू किसका एलिमेंट है, कैपिटल यू का, इसकी इमेज होगी। तो इसको खोल देते हैं, तो वी किसके इक्वल हो जाएगा, टी वन यू प्लस में टी टू यू के इक्वल हो जाएगा। देखिए वी किसका एलिमेंट था, टी वन प्लस टी टू यू का, और बिलोंग करवा दिया टी वन यू प्लस में टी टू, यानी मैं कह सकती हूँ वी बिलोंग हो गया किसके अंदर, टी वन यू प्लस में टी टू यू के अंदर बिलोंग हो जाएगा, रेंज सेट के अंदर चला गया। तो इस और एलिमेंट किसका था, इस रेंज सेट का था, इसका मतलब टी वन प्लस टी टू जो यू पे अप्लाई हो रहा है वो हमारे पास सबसेट हो जाएगा किसका, टी वन यू प्लस में टी टू यू का। अब अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ, देखिए जो मेरे पास कोई सेट है, मान लो सेट के अंदर हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं, उसका सबसेट मैं बनाती हूँ, सबसेट के अंदर मेरे पास 5 एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली जो मेरे पास डायमेंशन ऑफ सबसेट होगा वो लेस देन इक्वल टू क्या जाएगा, डायमेंशन ऑफ सेट जाएगा जाएगा। अब यहाँ पे सेम यही है कि हमारे पास टी वन प्लस टी टू सबसेट हो गया टी वन यू प्लस टी टू यू का, तो डायमेंशन ऑफ टी वन प्लस टी टू यू किसके किससे छोटा हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी वन यू प्लस में डायमेंशन ऑफ टी टू यू। डायमेंशन मैंने यहाँ भी बताया था, यानी कि रैंक ऑफ टी वन प्लस टी टू लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ टी वन प्लस रैंक ऑफ टी टू। यही क्या करना था, हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट आता है कंपोजिशन यानी कि प्रोडक्ट। देखिए कंपोजिशन में क्या होगा, यू वी डब्ल्यू को तीन वैक्टर स्पेस लेके चलते हैं, टी वन है यू से वी, टी टू है वी से डब्ल्यू, तो टी टू टी वन लेके चलते हैं। जैसे कि मैंने आपने पढ़ा होगा कि प्लस टू क्लासेज में कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की बात चलते हैं, दरअसल ये एल टी क्या है, एक तरह का फंक्शन ही तो है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता था कि एफ ले लेते थे कौन सा, ए टू बी लेके चलते थे, और जी ले लेते कहाँ से, बी से सी लेके चलते थे। तो अगर मैं जी ऑफ एफ एक्स निकालती, तो पहले तो देखिए जी ऑफ एफ के ऊपर डिफाइन बात करते हैं कि जी ऑफ एफ डिफाइन होगा या नहीं होगा, ये कहाँ से जाएगा। देखिए यहाँ पे जो मेरे पास एफ है वो किस पे जा रहा है, तीन सेट ले लिए, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये सी सेट है। ठीक है, तो जो एफ है वो किस पे जा रहा है, ए से बी पर, और जी जा रहा है किस पे, बी से सी पर। लेकिन जब जी ऑफ एफ लेके चलते थे तो पीछे से शुरू करते थे, ए से जा रहा है बी, बी से जा रहा है सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए से सी पर। ये होती थी हमारे पास कंपोजिशन की डिफाइनिंग कि अगर यहाँ पे एफ ऑफ जी लेके चलोगे, एफ ऑफ जी लेके चलोगे तो जी से लेके चलोगे, सी से बी, और बी से फिर क्या जाएगा, ए जाएगा। ठीक है, ये कंपोजिशन होती थी, इसके अंदर हम जी ऑफ एफ लेके चलते थे तो एफ से शुरू करते थे, पीछे से स्टार्ट होते थे हमारे सेट उठाने। और लेकिन ये डिफाइन कब होता था, इफ़ देखिए अब एफ से जी पे जा रहे हैं, जी ऑफ एफ में एफ से जी एफ पे हैं पहले, और एफ से किस पे जा रहे हैं, जी पे जा रहे हैं। ये कब डिफाइन होगा, जब हमारे पास कब की डोमेन सॉरी रेंज ऑफ एफ की रेंज इज सबसेट ऑफ, सबसेट होनी चाहिए किसके ऊपर, डोमेन ऑफ जी, जी की डोमेन के इक्वल, या इक्वल हो या उसका सबसेट होना चाहिए। तो यहाँ पे यही चीज़, यही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए जो टी वन कहाँ से यूज़ हो रहा है हमारे पास में, यू से लेके वी तक, एंड टी टू कहाँ से यूज़ हो रहा है, वी से लेके डब्ल्यू तक। तो मैं लेके चलती हूँ टी टू टी वन,
टी टू टी वन कहाँ से जाएगा, पीछे से शुरू करेंगे, यू से जाएगा, यू से वी, वी से डब्ल्यू, तो यानी वी से डब्ल्यू। लेकिन कब होगा, जब हमारे पास रेंज, रेंज यानी कि हमारे पास में रेंज आर ऑफ टी वन सबसेट हो जाए किसका, वी का, वी का तो होगा ही होगा। और ये जो वी है वो किसके इक्वल है हमारे पास में, डोमेन ऑफ वी, यानी कि मैं कह दूंगी क्या कि रेंज ऑफ टी वन इज कंटेंड या फिर मस्ट कंटेंड इज कंटेंड इन डोमेन ऑफ टी टू, टी टू की डोमेन में जाना चाहिए, तभी ये क्या होगा हमारे पास में डिफाइन होगा। अब मैं कुछ और बताती हूँ थोड़ा अलग ताकि आपको समझ आ जाए। मान लेते हैं हम टी वन ले लेते हैं कहाँ से, यू से लेके वी तक, और टी टू ले लेते हैं कहाँ से, एक्स से लेके वाई तक। अब मैं टी टू टी वन ले की बात चल रही हूँ। देखिए टी टू टी वन कहाँ से जाएगा, टी वन से शुरू करेंगे यू से वी, और उसके बाद क्या जाएगा, वी से एक्स, एक्स से वाई, तो यानी ये क्या हो जाएगी, यू से हमारे पास में वाई हो जाएगी। बट कब, जब हमारे पास में टी वन, टी वन ऑफ यू यानी कि रेंज ऑफ टी वन, रेंज ऑफ टी वन हमारे पास में वी के इक्वल होगा, सॉरी अगर वो ऑन टू हुई तो, अगर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, यानी रेंज ऑफ टी वन की बात करूँ, वो सबसेट हो जाएगा किसका, वी का, रेंज कोडोमेन का सबसेट होगा। लेकिन ये इसकी जो कोडोमेन है, रेंज है, वो किसका सबसेट होनी चाहिए, एक्स का सबसेट होनी चाहिए, यानी कि डोमेन ऑफ टी टू, टी टू की डोमेन का सबसेट होना चाहिए। ये जो प्रॉपर वी है ये किसके अंदर लाई होना चाहिए, इस एक्स के अंदर लाई होना चाहिए, तभी टी टू, टी टू इस क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। और अगर मैं टी वन टी टू लेके चलूँ, टी वन टी टू में देखिए टी टू से शुरू करेंगे, एक्स से शुरू होगा, एक्स टू क्या जाएगा, वाई, वाई से यू, यू से फिर क्या जाएगा, वी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखिए टी टू ऑफ, टी टू जो एक्स है वो सबसेट है किसका, वाई का, और वो सबसेट होना चाहिए किसका, यू का, यानी कि रेंज ऑफ टी टू सबसेट हो जाएगी किसकी, डोमेन ऑफ टी वन, टी वन की डोमेन की, यानी कि यू की। तो ये थी हमारी कंपोजिशंस, ऐसे डिफाइन करते हैं। देखिए यू वी डब्ल्यू कोई तीन वेक्टर स्पेस हैं, टी टू टी वन लेके चलेंगे तो किसके इक्वल होगा, टी टू टी वन इज इक्वल टू टी टू और टी वन यू बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसको टी टू टी वन को टी ओ टी, टी टू और टी वन भी बोल सकते हैं। कंपोजिशन एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, या आपने पहले भी पढ़ी हुई है, थ्योरम से पढ़ के देख लेना, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास में फंक्शन था कि कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन इज ऑल्सो ए फंक्शन, तो यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ एल टी इज ऑल्सो एल टी, पढ़ के देखना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। देखिए इसमें यही चीज़ बोल रखी है कि टी टी वन टी टू, टी टू टी वन तो दिखा दिया, अब टी वन टी टू डिफाइन हो भी सकता है नहीं भी, अगर वो डिफाइन हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि वो टी टू टी वन के इक्वल हो। और टी टू टी वन डिफाइन कब होगा, जब रेंज ऑफ टी वन किसके अंदर कंटेन हो जाए, डोमेन ऑफ टी टू के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है टी वन है यू से वी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी टू है वी से डब्ल्यू, तो हमने क्या प्रूव करना है कि अगर, देखिए यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, रिजल्ट्स काफ़ी यूजफुल है कि टी टू टी वन अगर वन वन है तो टी वन 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 होगा, टी टू टी वन ऑन टू है तो टी टू भी क्या होगा, ऑन टू होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले केस लेके चलते हैं, हमने क्या प्रूव करना है कि टी वन क्या है, टी वन इज वन वन, ये प्रूव करना है। तो मैं लेके चलती हूँ टी वन यू इज इक्वल टू टी टू यू, मैं लेट कर लेती हूँ। एंड गीवन क्या है कि टी टू टी वन ये क्या दी हुई है, वन वन दी हुई है, ये हमारे पास में क्या है, गीवन कंडीशन है, इसका हमने यूज़ करना है। ये लेट कर लेती हूँ, टी वन इमेज सेम है तो हमारे पास एलिमेंट सेम आने चाहिए, तो इमेज सेम है तो इसका यूज़ करते हैं, दोनों साइड टी टी टू अप्लाई कर देते हैं, टी वन आएगा, टी वन यू यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारे पास में v। देखिए टी टू टी वन हमारे पास में, इसको मैं लिख सकती हूँ टी टू टी वन यू इज इक्वल टू टी टू टी वन किसके इक्वल होगा, v हो जाएगा। अब टी टू टी वन सेम क्या है, वन वन है, इमेजेस सेम है तो इसका मतलब क्या आएगा, एलिमेंट्स भी सेम है, तो देखिए लेके चले थे इमेजेस को, एलिमेंट्स आगे सेम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, टी वन क्या है, वन वन है, ये हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे कि टी टू टी वन अगर ऑन टू है तो टी टू ऑन टू होगा। देखिए अब मैं कोई एलिमेंट उठा के लेके चल रही हूँ, W बिलोंग्स टू W, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखिए T1 कहाँ से जा रहा है, U से लेके V तक, T2 कहाँ से जा रहा है, V से लेके W तक, तो जो T2 T1 होगा वो कहाँ से जाएगा, U से लेके W तक जाएगा। एंड ऑन टू गीवन है, ये ऑन टू गीवन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टी टू टी वन सॉरी टी टू T1 किसी U पे अप्लाई किया है तो किसके इक्वल आ गया, वो W के इक्वल आ गया, ये चीज़ उसकी गिवन है, यानी कि हर W के लिए, फॉर नाउ फॉर एनी W बिलोंग्स टू कैपिटल W देयर
देखिए ऑन टू की डेफिनेशन लगा दी, देयर एग्जिस्ट ए यू बिलोंग्स टू यू सच दैट, जो टी टू टी वन यू है वो किसके इक्वल है हमारे पास में, एन डब्ल्यू के इक्वल है। इसको मैं लिख सकती हूँ कि टी टू बाहर निकाल लो, टी वन यू किसके इक्वल है, डब्ल्यू के इक्वल है। अब नाउ देखिए, जो मेरे यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि जो टी हमारे पास टी वन यू है वो प्री इमेज है, प्री इमेज हो कि किसकी, टी टू डब्ल्यू की अंडर टी टू, कि टी टू के अंडर टी वन यू क्या जाए? ये आती है ना कि टी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाता है, वाई के, तो वाई क्या होती है, प्री इमेज होती है किसकी, एक्स की। सेम इसी तरह है कि टी वन यू प्री इमेज होगी किसकी, डब्ल्यू की। अब ना हो अगर मैं लेट कर लूँ कि टी वन यू किसी ना किसी एलिमेंट के इक्वल तो होगा, वी के इक्वल हो, जहाँ पे वी बिलोंग कर रहा है किसके, कैपिटल वी के। एंड अगर अब मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो टी टू वी किसके इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो टी वन टी टू टी वन ऑन टू गिवन है तो ऑन टू की डेफिनेशन लगा दी। अब जो टी वन यू है वो किसी ना किसी एलिमेंट के इक्वल होगा, उसको मैंने वी का नाम लेट कर लिया कि वो वी है, तो टी टू वी किसके इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू के। यानी कि हर फॉर एनी एक एलिमेंट के लिए मैंने क्या दिखा दी, टी टू वी के इक्वल दिखा दिया, तो सारे एलिमेंट टी टू वी में दिखा सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टी टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑन टू हो गया। ये थी आपकी थ्योरम नंबर 6.6। देखिए 6.7 में वो क्या बोल रहा है, यू वी डब्ल्यू कोई तीन वेक्टर स्पेस हैं ओवर द फील्ड एफ, टी वन टी टू डैश लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू से वी, और टी टू डैश है वी से डब्ल्यू। तो देखिए स्केलर हमारे पास में मल्टीपल एडिशन है कि अगर मैं टी टू को आगे मल्टीप्लाई करूँ टी वन प्लस टी वन डैश के, तो वो खुल जाएगा टी टू टी वन प्लस टी टू टी वन डैश, और अगर टी वन को पीछे मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, टी टू टी वन प्लस में टी टू डैश टी वन। अगर मैं स्केलर से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो भी क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। प्रूफ काफ़ी ईजी है, पढ़ लीजिएगा, कोई इशू हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नाउ अब हम करते हैं एक्सरसाइज 6.1। देखिए टी वन दे दिया आर क्यूब से आर स्क्वायर, टी वन एक्स किसके इक्वल है, थ्री एक्स फोर वाई माइनस जेड, टी टू दे दी हमारे पास में माइनस एक्स वाई, तो हमने कंप्यूट करना है टी वन टी टू एंड टी टू टी वन। नेक्स्ट में अब हमारे पास सेकंड वाला फर्स्ट और सेकंड सेम है, देखिए टी वन टी टू दो लीनियर ऑपरेटर दे दिए, टी वन एक्स वाई किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई के, और टी टू एक्स है माइनस वाई एक्स के, तो हमने डिफाइनिंग फार्मूला फाइंड आउट करना है टी वन टी टू टी टू टी वन और टी वन स्क्वायर का। ठीक है, तो यह सेम फर्स्ट और सेकेंड सेम है, मैं सेकेंड करवा देती हूँ क्योंकि सेकेंड में तीन पार्ट हैं तो आराम से हो जाएंगे। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर सेकेंड, टी वन एक्स वाई किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई एन जीरो, एंड जो टी टू एक्स वाई है वो मेरे पास किसके इक्वल है, माइनस वाई एक्स के इक्वल है। ठीक है, जो टी और लीनियर ऑपरेटर हैं टी वन, यानी कि टी वन भी कहाँ से लाई कर रहे हैं, आर स्केयर से आर स्केयर पे, एंड टी टू भी कहाँ से लाई कर रहे हैं, आर स्केयर से आर स्केयर पे। ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, गिवन है। देखिए अब यहाँ पे जितने भी कोडोमेन और कोडोमेन है रेंजेज है वो सब के सब क्या जाएंगे, सेम जाएंगे, क्यों, क्योंकि सभी आर स्केयर्स के सबसेट हैं। तो यहाँ से नाउ अब डिफाइनिंग की तो दिक्कत है नहीं, तो मैं पहले टी वन टी टू लेती हूँ किसके ऊपर, एक्स ऑफ वाई पे, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, टी वन बाहर अंदर क्या हो जाएगा, टी टू एक्स वाई, टी टू एक्स वाई किसके इक्वल है, माइनस एक्स वाई एक्स के इक्वल है। ठीक है ना, इमेज की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे, और टी वन वाई एक्स क्या होता है कि देखिए पहले तो दोनों को कोऑर्डिनेट्स की एडिशन, तो क्या हो जाएगी, माइनस वाई प्लस एक्स और लास्ट में जीरो, तो क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई एन जीरो। नाउ अब टी टू टी वन लेके चलते हैं, टी टू टी वन क्या हो जाएगी, एक्स वाई, तो पहले टी टू बाहर अंदर क्या हो जाएगा, टी वन एक्स वाई, टी वन एक्स वाई की डेफिनेशन यूज़ कर दो, क्या हो जाएगी, टी टू यहाँ पे हमारे पास में y प्लस एक्स एन जीरो, ये हो जाएगी। अब देखिए टी टू की डेफिनेशन क्या है, जो पीछे वाला कोऑर्डिनेट है वो आगे आके माइनस और आगे वाला पीछे, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे x को पहले वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या था, एक्स वाई है ना, लेकिन माइनस वाई लेके चलना है, पीछे वाला माइनस जीरो तो यानी जीरो, और नेक्स्ट में क्या था, एक्स पीछे फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास में एक्स प्लस वाई, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, टी टू टी वन, ये आई है हमारे पास में टी टू टी वन एक्स एंड वाई। अब नाउ हम लेके चलते हैं टी वन स्केयर, टी वन स्केयर अगर मैं एक्स वाई पे अप्लाई करूँगी तो देखिए क्या हो जाएगा, टी वन बाहर टी वन एक्स वाई, ठीक है, टी वन एक्स वाई की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई और जीरो, ये बन गया हमारे पास में कोऑर्डिनेट, यानी मैं इसको लिख सकती हूँ किसके इक्वल, टी वन एक्स प्लस वाई एंड जीरो। देखिए अब वो क्या कर रहा है, पहले दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जीरो किसके इक्वल होगा, एक्स प्लस वाई, सेकेंड क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि टी वन स्केयर एक्स वाई भी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ एक बार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक चीज़ मुझे आपको बतानी है,
देखिए जो टी वन है वो कहाँ से है, आर क्यूब से आर स्क्वायर पे, एंड टी टू कहाँ से है हमारे पास में, आर स्क्वायर से लेके आर स्क्वायर पे, ये है ठीक है। तो कंप्यूट करना है टी वन टी वन टी टू और टी टू टी वन। नाउ अब मैं लेके चलती हूँ टी वन टी टू के बारे में बात करते हैं ठीक है। टी वन टी टू कहाँ से रहेगा, टी टू से शुरू करेंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर क्यूब। देखिए ये हो जाएगा मेरे पास में टी वन, ये टी टू, ये मैं तीन वो लेके चल रही हूँ। देखिए आर स्क्वायर से टी वन का लेके चलती हूँ पहले, तो मैं आर क्यूब से क्या जाएगा आर स्क्वायर, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगी ये भी आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा टी वन और ये क्या हो जाएगा टी टू। लेकिन टी वन टी टू टी टू से शुरू करेंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो हो गया, लेकिन आर स्क्वायर आर क्यूब का सबसेट नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर थ्री डायमेंशन के होंगे, तीन टपल्स होंगे, इसके अंदर टू टपल्स होंगे। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि टी वन टी टू इज़ नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है, बिकॉज रेंज ऑफ टी टू इज़, कि रेंज ऑफ जो टी टू है इज़ नॉट कंटेंड इन, किसके अंदर कंटेन नहीं होगा, डोमेन ऑफ टी वन, टी वन की यानी कि आर क्यूब के अंदर वो कंटेन नहीं होगा, तो वहाँ से वो क्या हो जाएगी एल टी, डिफाइन ही नहीं होगी, डिफाइन नहीं होगी तो एल टी नहीं होगी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, आर स्केयर टू आर सॉरी आर फोर टू आर स्केयर एल टी हमें दे दी, प्रूव करना है एस टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए एस यहाँ पे हमारे पास में क्या है, एस वाई वन वाई टू कहाँ किसके इक्वल आ जाता है, यहाँ पे वाई वन प्लस थ्री वाई टू कोमा वाई वन प्लस वाई टू कोमा टू वाई टू, ये है एन टी ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड एक्स फोर, ये हमें गिवन है, किसके इक्वल गिवन है, एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस में टू एक्स थ्री एंड सेकेंड है एक्स टू माइनस एक्स फोर, ये गिवन है हमारे पास ठीक है। एस टी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखानी है हमने। नाउ देखिए एस टी लेके चलते हैं, एस टी क्या होगा, एस कहाँ कहाँ से लाई कर रही है, एस कर रही है हमारे पास लाई आर स्क्वायर से किसके ऊपर, आर क्यूब के ऊपर। टी कहाँ से है, आर फोर से लेके आर स्क्वायर पे। तो जो एस टी पीछे से शुरू करेंगे, आर फोर से आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कंटेन हो जाएगा, तो एस टी कहाँ से लाई करेगा, शुरू होगा आर फोर से और किस पे ख़त्म होगा, आर क्यूब पे ठीक है। अब डिफाइन करते हैं एस ऑफ किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, टी एस टी ऑफ टी किसके ऊपर है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, आर फोर के एलिमेंट्स लेके चलेंगे ठीक है। तो पहले एस बाहर टी अप्लाई कर दीजिए, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और साथ में एक्स फोर, तो खोल दीजिए क्या बनेगा एस, और यहाँ से मेरे पास में टबल शुरू हो जाएंगे। देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस टू एक्स थ्री एंड एक्स टू माइनस एक्स फोर, इसके इक्वल आ जाएगी, मैंने डेफिनेशन टिक लगा दी। अब एस का काम क्या होता है, वाई वन प्लस वाई टू, ये वाई वन है ये वाई टू है, तो पहले वाई वन प्लस थ्री वाई टू लेके चलेंगे, यानी कि एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस में टू एक्स थ्री और यहाँ से मेरे पास में प्लस में थ्री एक्स टू माइनस एक्स फोर, पहला कोऑर्डिनेट तो ये हो गया। उसके बाद माइनस वाई वन प्लस वाई टू यानी कि माइनस वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू और प्लस में वाई टू और माइनस में टू एक्स थ्री और ये एडिशन करेंगे प्लस एक्स टू माइनस एक्स फोर, एंड जो थर्ड वाला था वो क्या था टू वाई टू यानी कि इसका सेकेंड टू एक्स टू माइनस टू एक्स फोर, इसको खोल देंगे यानी ये किसके किसके इक्वल होगा। देखिए एक्स वन तो एज इट इज़ है ही, माइनस में एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री, थ्री माइनस वन टू प्लस टू एक्स टू और यहाँ से मेरे पास बनेगा टू एक्स थ्री प्लस में क्या हो जाएगी हमारे पास में टू एक्स थ्री एंड माइनस में थ्री एक्स फोर, इसको खोल लेंगे तो ये बनेगा मेरे पास में माइनस एक्स वन प्लस में टू एक्स टू माइनस टू एक्स थ्री माइनस एक्स फोर एंड टू एक्स टू माइनस टू एक्स फोर, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी एस टी ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड एक्स फोर, इसके इक्वल आ जाएगी। अब मुझे ये एल टी प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ क्या करना है, पहली बात कि एस टी ऑफ जो मेरे पास में दो एलिमेंट्स ले लो एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा एस टी एक्स प्लस एस टी वाई, एंड एस टी अगर मैं ए एक्स लेके चलूँगी तो वो क्या हो जाएगा ए बाहर निकल जाएगा एस टी एक्स क्या जाएगा अंदर, मुझे इन दोनों का क्या करना है यूज़ करना है प्रूव करना है मुझे ये दोनों। तो पहले मैं लेके चलती हूँ फर्स्ट वाला। नाउ लेट कर लीजिए कि x है मेरे पास किसके इक्वल x1, x2, x3 और x4, ये बिलोंग कर रहे हैं r4 से। y लेके चलती हूँ, y किसके इक्वल है y1, y2, y3 और y4, ये भी किस पे बिलोंग कर रहे हैं r4 में। तो अगर मैं एस टी एक्स लेके चलूँ पहले यानी एक्स टी
एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री और एक्स फोर किसके इक्वल होगा? अब भी मैंने प्रूव करके दिखाया आपको एल टी किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास ये एस टी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, तो हमारे पास में एक्स वन प्लस टू एक्स टू प्लस में टू एक्स थ्री माइनस थ्री एक्स फोर। नेक्स्ट क्या हो जाएगी, माइनस एक्स वन प्लस टू एक्स टू माइनस टू एक्स थ्री माइनस एक्स फोर एंड द लास्ट इज टू एक्स टू माइनस टू एक्स फोर। एंड एस टी अगर मैं वाई लेके चलूँ यानी कि एस टी ऑफ वाई वन वाई टू वाई थ्री एंड वाई फोर इसको लेके चलूँ तो सेम है, जहाँ वाई एक्स वन है वहाँ वाई वन, जहाँ एक्स टू है वाई टू, ये सब कुछ है। तो यानी कि एस टी ऑफ वाई किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास, वाई वन प्लस टू वाई टू प्लस टू वाई थ्री माइनस थ्री वाई फोर माइनस वाई वन प्लस टू वाई टू माइनस टू वाई थ्री माइनस वाई फोर टू वाई टू माइनस टू वाई फोर इसके इक्वल हो जाएगा। अब ये देखिए एस टी ऑफ एक्स और वाई तो आ गया हमारे पास, नाउ एस टी एक्स प्लस वाई को पे लगाते हैं। देखिए जब एस टी एक्स प्लस वाई पे लगाओ, एक्स टी एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स वन प्लस वाई वन, सीधा एडिशन दिखा सकती हूँ मैं क्योंकि ये तो आप कर ही लोगे, एक्स थ्री प्लस वाई थ्री एंड एक्स थ्री एक्स फोर प्लस वाई फोर इसके इक्वल आ जाएगा। देखिए अब जो मेरे पास बाय डेफिनेशन में लेके चली थी वो हमारे पास में इसके इक्वल है, तो एस टी अब एक्स वन की जगह एक्स वन प्लस वाई वन, तो एस टी ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं सीधा अप्लाई करूँ, एक्स वन प्लस वाई वन प्लस टू ऑफ एक्स टू प्लस वाई टू प्लस में टू ऑफ एक्स थ्री प्लस में क्या हो जाएगी वाई थ्री, यही हो जाएगी माइनस में थ्री ऑफ एक्स फोर प्लस में वाई फोर, पहला कोऑर्डिनेट कोमा माइनस में एक्स वन प्लस वाई वन, एक्स वन की जगह ये हो जाएगा, फिर उसके बाद टू एक्स टू प्लस में टू एक्स टू प्लस वाई टू माइनस में टू एक्स थ्री प्लस वाई थ्री माइनस में क्या हो जाएगी एक्स फोर प्लस वाई फोर कोमा लास्ट क्या हो जाएगी टू एक्स टू प्लस वाई टू माइनस टू एक्स फोर प्लस वाई फोर, ये हमारे पास क्या आ जाएगी डेफिनेशन लगा के आ जाएगी। अब इसको खोल दीजिए, देखिए अब इसको खोल लेंगे तो क्या बनेगा, एक्स वन प्लस वाई वन प्लस टू एक्स टू प्लस टू वाई टू प्लस टू एक्स थ्री प्लस टू वाई थ्री माइनस थ्री एक्स वन थ्री एक्स फोर माइनस थ्री वाई फोर कोमा इसको खोल दीजिए माइनस एक्स वन माइनस वाई वन प्लस टू एक्स टू प्लस टू वाई टू माइनस टू एक्स थ्री माइनस टू वाई थ्री, तो यहाँ से हमारे पास में माइनस एक्स फोर माइनस वाई फोर कोमा टू एक्स टू प्लस टू वाई टू माइनस टू एक्स फोर माइनस टू वाई फोर, ये आ जाएगी हमारे पास में सॉल्व होके। अगर इसको अगर मैं देखो यहाँ पे एस टी और एस टी एक्स प्लस एस टी वाई अगर मैं एडिशन करती हूँ, इसको मैं नाउ अगर मैं एस टी एक्स प्लस में एस टी वाई लेके चलूँ, देखिए तो इसको किसके किसके इक्वल होगा, यहाँ से एक्स टी एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ गया था, एस टी एक्स की वैल्यू थी हमारे पास में एक्स वन प्लस में टू एक्स टू प्लस टू एक्स थ्री, वैल्यूज ही पुट करनी है, माइनस थ्री एक्स फोर कोमा माइनस एक्स वन प्लस टू एक्स टू माइनस टू एक्स थ्री माइनस एक्स फोर कोमा यहाँ से हमारे पास टू एक्स टू माइनस टू एक्स फोर और प्लस में अब यहाँ पे टी ऑफ वाई वाई वन प्लस टू वाई टू प्लस में टू वाई थ्री माइनस थ्री वाई फोर कोमा माइनस वाई वन प्लस टू वाई टू माइनस टू वाई थ्री माइनस वाई फोर एंड द लास्ट इज टू वाई टू माइनस टू वाई फोर, कर दीजिए एडिशन इनकी। इनकी मैं अगर एडिशन करूँगी तो क्या बनेगा, एक्स वन प्लस वाई वन टू एक्स टू प्लस टू वाई टू प्लस में टू एक्स थ्री प्लस में टू वाई थ्री माइनस थ्री एक्स फोर माइनस थ्री वाई फोर कोमा सेकेंड ऐड कीजिए माइनस एक्स वन माइनस वाई वन प्लस टू एक्स टू प्लस टू वाई टू माइनस टू यहाँ पर टू एक्स थ्री और माइनस टू वाई थ्री माइनस एक्स फोर माइनस वाई फोर, एडिशन कीजिए टू एक्स फोर प्लस टू वाई फोर सॉरी टू एक्स टू माइनस प्लस टू वाई टू माइनस टू एक्स फोर माइनस टू वाई फोर और ये किसके इक्वल है, एस टी एक्स प्लस वाई के, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा सॉल्व हो जाएगा। यानी अब मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि एस टी एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगी, एस टी एक्स प्लस एस टी वाई, यानी कि हमारी जो फर्स्ट थी फर्स्ट हमारी क्या हो जाएगी प्रूव हो जाएगी। नाउ हम सेकेंड की बात करते हैं, नाउ मैं लेके चलती हूँ किसके इक्वल, एस टी ए एक्स के इक्वल लेके चल पड़े, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एस टी ए एक्स वन ए एक्स टू
ए एक्स थ्री ए एक्स फोर। तो यहाँ से देखिए अप्लाई कीजिए, पहले एस टी, एस टी की बाय डेफिनेशन सीधी वैल्यू पुटअप कर देंगे हम लोग, तो कीजिए वैल्यू पुटअप इसकी। देखिए ये हमारे पास किसके बस क्या हो जाएगा, ए एक्स वन वगैरह आ जाएगा। तो यहाँ से मैं ए एक्स वन प्लस टू ए एक्स टू प्लस टू ए एक्स थ्री माइनस थ्री ए एक्स फोर, यहाँ से कोमा माइनस ए एक्स वन प्लस टू ए एक्स टू, साथ में क्या हो जाएगी मेरे पास में नेक्स्ट में माइनस टू ए एक्स थ्री माइनस ए एक्स फोर, और यहाँ से टू ए एक्स टू माइनस टू ए एक्स फोर। ए बाहर कोमा निकाल दीजिए, एक्स वन प्लस में क्या हो जाएगी टू एक्स टू प्लस में टू एक्स थ्री माइनस में थ्री एक्स फोर, कोमा माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस टू एक्स थ्री माइनस एक्स फोर, और यहाँ से क्या हो जाएगी टू एक्स टू माइनस टू एक्स फोर। इसको मैं ले सकती हूँ एस टी, और ये क्या है ए एस टी एक्स। तो यहाँ से मैं मेरे पास क्या वैल्यू आ गई कि एस टी ए एक्स किसके इक्वल है ए एस टी ऑफ एक्स, तो इसका मतलब एस टी क्या हो जाएगी मेरे पास में एल टी होगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में एस ओ टी दोनों आर क्यूब से आर स्क्वायर हैं, तो दोनों का क्या दिखाना है हमने, फॉर्मूलाज डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमारे पास जो टी ऑफ एक्स वाई जेड है वो किसके इक्वल गिवन है, टू एक्स माइनस थ्री वाई सेवन वाई प्लस टू जेड, एंड एस ऑफ एक्स वाई जेड किसके इक्वल गिवन है, एक्स माइनस जेड और वाई। पहली मुझे एस प्लस टी लेके चलना है, तो यानी कि अब मुझे एस टी ऑफ एक्स, देखो दोनों के दोनों एक्स वाई जेड पे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड पे अप्लाई होगी, तो यानी एक्स ऑफ एक्स वाई जेड प्लस टी ऑफ एक्स वाई जेड। एडिशन कर दीजिए, टू एक्स माइनस थ्री वाई सेवन वाई प्लस टू जेड, प्लस में क्या हो जाएगा एक्स माइनस जेड एंड वाई, करी एडिशन क्या बनेगी हमारे पास थ्री एक्स माइनस थ्री वाई, एंड लास्ट हो जाएगी एट वाई प्लस टू जेड। ये हमारे पास में किसकी इक्वल होगी, एस टी ऑफ एक्स वाई जेड के। सेकंड क्या है, थ्री एस है, तो इसका मतलब थ्री एस अगर मैं लेके चलूँ एक्स वाई जेड के इक्वल, तो थ्री एस एक्स वाई जेड के इक्वल क्या है एक्स माइनस जेड वाई, तो यहाँ से थ्री एस एक्स वाई जेड किसके इक्वल हो जाएगा, थ्री एक्स माइनस थ्री जेड, और साथ में क्या हो जाएगी थ्री वाई। जो लास्ट है वो क्या है, टू एस माइनस थ्री टी। जो टू एस माइनस थ्री टी है, देखिए उसमें क्या करेंगे, टू एस की वैल्यू पुट कर दी, फिर हमने क्या पुट कर दी, थ्री एस की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे टू एस की वैल्यू, एस आपके पास गिवन है, टी आपके पास गिवन है, वैल्यू पुटअप करके आप क्या निकाल सकते हो, इनकी फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास में थर्ड में अब देखिए टू एस प्लस में माइनस में थ्री टी है, तो सबसे पहले क्या करोगे, टू एस माइनस थ्री टी ऑफ एक्स वाई जेड इसके ऊपर अप्लाई करोगे, तो खोल दोगे क्या बनेगा, ये टू एस एक्स वाई जेड माइनस थ्री टी एक्स वाई जेड, ये आ जाएगी वैल्यू पुटअप करोगे और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.1। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो, तो अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ इसको शेयर करें ताकि बाकी बच्चे भी इसको अच्छे से समझ सकें, कर सकें। थैंक यू सो मच।